हमारी आज की जो वीडियो है ये कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे कि एग्ज़ाम पैटर्न पर एक वीडियो बनाइए, तो ये उसी के ऊपर आधारित है। मैं बता देती हूँ कि एग्ज़ाम पैटर्न जो था पिछला वो कैसे था। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो कंपल्सरी क्वेश्चन था, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए हुए थे और इसमें 10 क्वेश्चंस थे और हर क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन जो था वो 2 नंबर का था, तो आपका ये एक क्वेश्चन जो था वो 20 मार्क्स का हो गया। तो ये कंपल्सरी क्वेश्चन था, यानी इसको करना जरूरी यानी अनिवार्य है। उसके बाद यूनिट 1 के अंदर 2 क्वेश्चंस थे और हर क्वेश्चंस के जो थे वो इक्वल मार्क्स थे, यानी 20-20 यानी 20-20 नंबर का एक क्वेश्चंस था। 2 और 3 नंबर का जो क्वेश्चन था वो यूनिट 1 में था, दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है। उसके बाद सेकेंड यूनिट में यूनिट 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 थे, दोनों के इक्वल मार्क थे, 20-20 नंबर के क्वेश्चंस थे ये और इनमें से आपको एक करना था। मतलब कि आपको हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन करना जरूरी था और क्वेश्चन 1 आपका कंपलसरी है। इसी तरह यूनिट 3 से आपके क्वेश्चन नंबर 6 और 7 और उनके भी आपके 20-20 नंबर बराबर अंक हैं और इनमें से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर सॉरी यूनिट 4 उसमें से भी आपको 2 क्वेश्चंस दिए होंगे, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 और हर क्वेश्चन के बराबर अंक हैं, 20 नंबर के दोनों हैं और उसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है। तो ये इस तरह आपका एग्जाम पैटर्न है। ये मैं आपको पिछला क्वेश्चन पेपर दिखाती हूँ, ये देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो कंपलसरी है इसके अंदर आपके पार्ट्स दिए हुए हैं ए बी सी, इस तरह से ए से लेकर जेड तक ये 10 क्वेश्चंस हैं। अब ये क्वेश्चंस आगे हैं उसके सी डी ई एफ जे के एच जी एस ओ एफ जी एच आई, इस तरह से ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और एक क्वेश्चन के आपके 2 नंबर बनते हैं, तो ये 10 क्वेश्चंस के आपके 20 अंक हो गए। ये देखिए ये आपका 10वां क्वेश्चन यानी जे पॉइंट पर, यानी ए से लेकर जे तक 10 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन है जो है वो आपका 2 नंबर का है, तो ये 20 यानी 20 अंक का एक क्वेश्चन आपका बनता है। उसके बाद आपके यूनिट 1 के अंदर देखिए सेकेंड क्वेश्चन आपका यूनिट 1 के अंदर है और इसके 2 पार्ट्स हैं जो 10-10 नंबर के हैं, यानी ये दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपका टोटल 20 नंबर का हो गया और इसी के अंदर आपका थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है जो आपके 2 पार्ट्स के अंदर भागों में विभाजित है, यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड है ए और बी और एक पार्ट आपका 10 नंबर का है, तो इस तरह आपके 20 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो यूनिट 1 में आपके 2 क्वेश्चन है और आपको कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब ये देखिए गाइस यूनिट 2 के अंदर सेकेंड यूनिट में आपका फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें आपके 5 पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स के बारे में आपको इसके बारे में बताना है, इनके बारे में आपको डिटेल लिखनी है कि ये क्या होते हैं। तो ये आपका फोर्थ जो नंबर क्वेश्चन है ये 20 नंबर का है, तो ये आपके 5 हैं तो इसका मतलब 4 अंक का आपका या 4 मार्क्स का आपका एक पार्ट बनता है, तो 5×4=20 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया। और इसी यूनिट के अंदर आपका फिफ्थ क्वेश्चन है जिसके 2 पार्ट्स हैं, तो ये 20 नंबर का है, तो इट मीन्स ये 10-10 नंबर के 2 पार्ट्स हुए, तो आपको इस यूनिट से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब देखिए ये यूनिट 3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है और ये क्वेश्चन आपका एमएस एक्सेल बेस है जिसमें एक टेबल दी हुई है और उस टेबल को देखकर आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ये टेबल दी हुई थी जिसके आधार पर आपको नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये, और ये क्वेश्चंस आपको इनका आंसर लिखना है, तो ये आपका पूरा एक क्वेश्चन 20 नंबर का है, तो आप आइडिया लगा लो कि इसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का हुआ, तो उसके बेस पे आपको इस टेबल के अंदर आपको देख के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब इसी यूनिट के अंदर थर्ड यूनिट के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है जिसमें आपके 2 पार्ट्स हैं ए और बी और एक पार्ट जो है वो 10 नंबर का है, तो टोटल 20 नंबर या 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन हुआ, तो ये आपकी थर्ड यूनिट में 6 और 7 2 क्वेश्चन थे और उसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है। अब देखिए यूनिट 4 के अंदर आपके
क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 8 के आगे फिर दो पार्ट्स हैं जो 10-10 नंबर के हैं, यानी 10 मार्क्स के दो क्वेश्चन हैं। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 में भी 10 मार्क्स के दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इस यूनिट 4 के अंदर भी आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो गाइज आपको ये पैटर्न, एग्जाम पैटर्न मैंने क्वेश्चन पेपर दिखा के भी समझा दिया, और आपको ये अच्छी लगी होगी वीडियो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।